पिछले पार्ट में बजी थी ऑगी और जैक की बैंड। जाते ही इसका खात्मा कर दिया जाए। चलिए भैया यही मौका है और मार दिए इसे। ओ एंटिटी बहुत हो गया ये लगा मुन्ना। हाँ भैया बहुत बढ़िया मारते रहिए। बीड़ू आज इसे छोड़ना नहीं, एकदम मस्त मारने कर बाबा। ओ ये क्या नीचे गिरा है, ओ ये क्या फेंक दिया, गोले फेंक दिए मुन्ना। हाँ भैया बच कर रहिएगा। हे भैया गोला लगी गया, बैठ ही बच गई भैया आज तो। और अब देखिए उसके आगे की कहानी हमारे और ऑगी जैक के साथ। हे गाइस कैसे हो। तो गाइस पिछले पार्ट में जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एंटिटी 303 ने हम लोगों की दोबारा से बैंड बजा दी थी, क्योंकि गाइस उस समय ओमनीट्रिक्स काम भी नहीं कर रही थी, इसलिए गाइस हम लोग की बैंड बज चुकी है। तो गाइस ओमनीट्रिक्स तो मैंने ग्रैंडपा मैक्स को रिपेयर करने को दी है, अब देखते हैं कब तक रिपेयर करके ग्रैंडपा मैक्स हम लोग को देते हैं। लेकिन गाइस उस समय हम लोग खाली बैठे थे और हमने और भैया जैक ने बनाया एक बहुत ही बढ़िया सी मशीन, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना यार, क्योंकि गाइस इससे हम लोग को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। ओए बिल्कुल सही बात कहा, सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना यार, क्या जाता है इसमें तो पैसे भी नहीं लगते। ओए ओए अगी हम इन लोगों को डाउटेड ऐप के बारे में बता दे जल्दी से। गाइस डाउटेड एक ऐसी ऐप है जिसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो तो बस उसकी फोटो क्लिक करना है और सिंपल सा उसको क्रॉप कर लेना है और आपको 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन उस क्वेश्चन का मिल जाएगा। और फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, CBSE का हो, UP बिहार महाराष्ट्र चाहे जिसका भी हो, आपको इसका सवाल डाउटेड ऐप पे मिल जाएगा। चाहे गाइस IIT मेंस एडवांस नीट और 6th to 12th क्लास का भी हो, कोई भी सवाल हो सब इसका जवाब आपको डाउटेड ऐप पे मिल जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, उसका आपको जवाब डाउटेड ऐप पे मिल जाएगा। और साथ ही गाइस यहां पर 9th to 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम की लाइव क्लासेस चल रही हैं, यानी गाइस अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटेड ऐप पर। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटेड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटेड ऐप को इंस्टॉल करिए। वाह क्या बात है, बिल्लो ने बनाया है बचने के लिए ऑब्सीडियन का हाउस। हे कैसी बातें करते हो, ये क्राइम ऑब्सीडियन है। ऑब्सीडियन नहीं है, ओए मुन्ना इसको कुछ पता भी नहीं रहता। ओए पता नहीं कुछ भी बोलता रहता है। और गाइस आप तो जानते ही होंगे हम लोग एंटिटी 303 से 2 बार हार चुके हैं। तो गाइस मुझसे और भैया जैक से ये सब कुछ देखा नहीं गया और हम लोग ओमनीट्रिक्स का इंतजार भी तो नहीं कर सकते थे ना। और इसीलिए मैंने और ऑगी ने अपना साइंटिस्ट वाला दिमाग चलाया और इतनी बढ़िया से चीज बना दी जो आप देखकर एकदम खुश ही हो जाओगे। मतलब एकदम बहुत भयानक चीज बनाई है जो कि किसी ने नहीं बनाई होगी आज तक। ओए चलो भैया हम सभी को दिखाते हैं कि हम लोगों ने कौन सी मशीन बनाई है। चलिए गाइस अब आपको सरप्राइज देने का समय आ गया। गाइस वो मशीन इतनी भयानक है कि उसमें से जो चीज में निकलेगी उससे ताकतवर इस माइनक्राफ्ट में कोई भी नहीं है। और गाइस ये है हीरो ब्राइन टूल मेकर मशीन। मतलब कि गाइस इसमें से जो टूल्स निकलेंगे वो हीरो ब्राइन के द्वारा बने हुए टूल्स हैं। अब आप बोलोगे कि हीरो ब्राइन ने टूल्स कब दे दिए हम लोगों को, तो गाइस हम लोगों को हीरो ब्राइन ने टूल्स नहीं दिए, हम लोगों को एक चीज पड़ी मिली थी जो कि गाइस वो हीरो ब्राइन की थी और उससे ही गाइस मैंने और भैया जैक ने मिलकर एक रातों रात एक बहुत बढ़िया मशीन बना दी। इसका मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस इसमें 2 बटन लगे हुए हैं, एक ऑन करने के लिए है, जैसे कि भैया ऑन करिए ना जल्दी से। ओए इसको ना, हाँ भैया पहली वाली को ओए कर दिया ऑन। ये क्या हीरो ब्राइन टूल्स। हाँ भैया दूसरी वाली को भी ऐड करिए ना। ओए दबा दिया बटन को और ये आ गया हम लोग का चेस्ट, और इसी में है हम लोग का दुनिया का सबसे पावरफुल आर्मर और जितनी भी तलवार वगैरह हो की। ओए सीप यहाँ से निकाल ले, यहाँ पर खतरा बहुत है। है भैया उसको छोड़िए ना, उसको जाने दीजिए ना। हमसे उससे क्या मतलब। ओए अभी मेरा दिमाग खराब होगा तो इन दोनों पर मैं टेस्टिंग करने लगूंगा। हे भैया छोड़िए ना, हम लोग सभी को टूल्स वगैरह दिखाते हैं। और गाइस ये रहा हीरो ब्राइन का आर्मर और गाइस हीरो ब्राइन की तलवार वगैरह देख सकते हो आप। और इनका गाइस देखो प्रोटेक्शन तो देखो 500, सब कुछ 500 है। मतलब कि नॉक बैक भी 500 है। ओए मुन्ना अब मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों से पावरफुल कोई और भी है माइनक्राफ्ट में। हाँ भैया लगता तो मुझे भी है। लेकिन भैया ओए लेकिन ओकिन कुछ नहीं मुन्ना, आज तो मुन्ना बहुत भयानक फाइट होगी। ओए रुक जा इसको मारता हूँ। ओए कैसा है, अब निकल ले। ओए ये क्या मुन्ना नॉक बैक देखा। हाँ भैया ये तो एकदम से पीछे चला गया। और भैया देखिए कितने सारे, ए भैया ये देखिए ये बकरी भी चली गई। और भैया देखिए कितने सारे मटन दे गई ना। ओए मुन्ना इसमें लूटिंग पता नहीं 500 लगी हुई है। हाँ भैया यही तो इस तलवार की खासियत है। और भी भैया टेस्टिंग करना बनता है ना। ओए बिल्कुल मुन्ना आज तो आर्मर की भी टेस्टिंग करेंगे और उस एंटिटी को भी तो मारना है ना। हाँ भैया लेकिन उससे पहले हम लोग को टेस्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो भैया हमेशा की तरह हम लोग की कहीं बैंड ना बच जाए। कम से कम भैया टेस्टिंग वगैरह तो कर लेना। और भैया टेस्टिंग के लिए मेरे पास बहुत सारे सामान हैं।
और चल ठीक है, लेकिन उससे पहले इन सभी को तो टेस्ट कर लेना, ये पिकैक्स वगैरह को, इनकी पावर क्या। ओ ये क्या मुन्ना, हाँ भैया ये देखिए कितनी भयानक चल रही है ना। ओए मुन्ना ये मशीन तो मैं जितना सोच रहा था उससे तो बहुत गुना अच्छी निकल गई। रुक जा इस पेड़ को काटता हूँ। ओए ये क्या, ये तो एक बार में ही निकल जा रहा है। हाँ भैया देखिए कितने बढ़िया आर्मर बन चुके हैं ना। वैसे भैया हीरो ब्राइन तो एकदम कमाल का निकला, कितने बढ़िया आर्मर बनाता है वो। ओए मुन्ना अब तो मैं पिकैक्स को टेस्ट करना चाहूंगा। हाँ भैया इसको भी टेस्ट करना है। हे भैया उससे निकालिए ना। ओए रुक जा इसको भी टेस्ट करते हैं। ओए इसका काम तो यही होगा। रुक जा पहले मुझे पिकैक्स को टेस्ट करने दे, कितना भयानक स्टोन को तोड़ती है मैं ये देखना चाहता हूँ। ओए मुन्ना सॉवल तो एकदम कमाल की है, और धोती फाड़ के रुमाल भी है ये। हाँ भैया सॉवल भी एकदम बढ़िया है और हम लोग की एक्स भी बढ़िया है, अब पिकैक्स को भी देख ही लेते हैं ना। ओ ये क्या मुन्ना, इसने तो पूरा तोड़ ही दिया एक बार में, देख पूरा नीचे तक एकदम तोड़ दिया और फोड़ भी दिया। ओए हाँ भैया चलिए ये भी कमाल किया है। हाँ भैया हम लोग की स्वॉर्ड की टेस्टिंग का काम आ चुका है, चलिए भैया उसको भी जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि भैया आज हम लोग को बहुत भयानक भयानक टेस्टिंग करनी है। जो कि भैया आज तक हम लोगों ने कभी नहीं इतनी भयानक टेस्टिंग की। और चल ठीक है पहले ऊपर तो निकल लेते हैं। भैया आप ही तो फंसे हुए हैं ना। और रुक जा अभी निकल आता हूँ, ये निकल आया, अब चल जल्दी से चलते हैं, वहाँ से एग उठा और जल्दी से टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। आज तो मुन्ना एकदम बेदर उधर तो एक ही बार में मरेगा। हाँ भैया पहले देखने से पता चलेगा ना। अभी तो भैया हम लोगों ने कुछ ट्राई नहीं किया। चलिए भैया मैं इसको ले लेता हूँ और जितने भी एक्स है सब भैया मैं जल्दी जल्दी ले लेता हूँ। और इसमें सब बढ़िया बढ़िया रखे हैं ना। हाँ भैया एकदम बढ़िया वाले टॉप लेवल के। बल्कि भैया इसमें तो मैंने एंडरमैन वगैरह भी, ईवोकर वगैरह भी शामिल किया है, और भैया रिवेंजर जो कि भैया सबसे पावरफुल है उसको भी शामिल कर लिया है। देखते भैया इनका क्या होता है। और भैया आज मैं अपनी स्वॉर्ड चलाऊंगा नहीं, बस भैया इनको देखूंगा। ओए मारे, ओ ये क्या है, तो अपने आप ही मर गया। हाँ भैया ये कमाल है आर्मर का। ये देखिए भैया अपने आप ही मरे गए। आज भैया आज हम लोग को स्वॉर्ड चलानी ही नहीं, बस भैया इसकी टेस्टिंग देखनी है। ओए आ जाओ, आज नहीं तेरा जैक कुछ नहीं चलाएगा, आज तुम ऐसे ही मरेगा। ये ले मर गया, ओए कोई भी नहीं बचेगा, आ जाओ कितने भी हो। ए मारो ना, कुछ नहीं कर पाओगे हम लोगों का तुम। ये तो आपस में ही लड़ने लगे है। भैया अगर हमसे भी लड़ेंगे, देखे भैया हम तो स्वॉर्ड भी नहीं चला रहे, ये तो अपने आप मर रहे हैं ना। ओए रुक जा इसको स्पॉन करता हूँ जॉम्बी पॉम्बी को। ओए आ जाओ जॉम्बी ओम्बी, ओए कुछ भी नहीं कर पाओगे हम लोग का। हे मारो ना जॉम्बी, पहले बहुत आ जाते थे ना, आज खुद ही मारोगे। मतलब कि भैया ये लोग अगर हमें मारेंगे तो ये खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि भैया ये कमाल है आर्मर का। ओए मुन्ना आर्मर तो एकदम कमाल के निकले, अब देखते हैं अब होगी असली फाइट। आ जाओ कृपा। हे भैया रहन दीजिए, तलवार मत निकालिए। ये देखिए भैया अब मजे आ रहे हैं ना। ओए मुन्ना आज तक एकदम मजा ही आ रहा है। ओए और भी आ जाओ, और भी देखते हैं, और फटो एक साथ, कुछ नहीं कर पाओगे हम लोग का। ओए हे भैया आखिरकार हम लोग का एक्सपेरिमेंट काम करने लगा ना। ओए मुन्ना अपना एक्सपेरिमेंट कभी बेकार जाएगा क्या। ओए मैंने और तूने मिलकर बनाया है, रुक जा इसको भी देखता हूँ। ओए आ जाओ हड्डियों, कुछ नहीं कर पाओगे। हे भैया कितने सारे हड्डी है, लेकिन भैया तक खुद ही मरे जा रहे हैं ना। और मारा आज, आज तुम्हें बोर एरो चलाने का फुल मौका दिया गया है, और बन जाओ आज तुम अर्जुन, सभी लोग बन जाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे, निकल लो नमूनो। पता नहीं मुन्ना आज तुम्हें स्वॉर्ड ही नहीं चला रहा हूँ फिर भी मर रहे हैं। हे भैया रुक जाइए इस इंटरमैन को मारते हैं। और खुद ही मरेगा ये, देख अपने आप ही मर रहा है ये तो। रुके भैया ये लोग अगर हम लोग को छुएंगे भी तो ये मर जाएंगे, क्योंकि भैया ये जो आर्मर है ना ये हीरो ब्रायन का है। और भैया आप तो जानते हैं ना हीरो ब्रायन कितना पावरफुल है, और मुन्ना इसी आर्मर से एंटिटी का भी तो बैंड बजाना है ना। हाँ भैया क्योंकि ये आर्मर स्पेशल टाइप से एंटिटी के लिए ही बना हुआ है, क्योंकि भैया हीरो ब्रायन और एंटिटी के बीच में बहुत बड़ी भैया जंग छिड़ी हुई है, उनके बीच भैया बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं, और भैया हीरो ब्रायन ने इसीलिए इस आर्मर को इन्वेंट किया है। ओए मुन्ना तभी तो एंटिटी 303 हीरो ब्रायन से जीत नहीं पाता। हाँ भैया सुना तो मैंने ये भी है, लेकिन भैया अब देखना भी तो पड़ेगा ना कि कौन जीतता है। ओए रिवेंजर के ये क्या, या तो अपने आप ही मर गया, बहुत पावरफुल माना जाता है ना, अब मार ले रिवेंजर, कोई भी नहीं बचोगे, सब मरोगे, अपने आप ही मरेंगे मुन्ना। हाँ भैया ये देखिए, अब भैया असली वक्त आ चुका है तलवार को टेस्ट करने का, क्योंकि भैया ये तो आर्मर की टेस्टिंग हो चुकी है। और रुकजा भी मारता हूँ एक को, और रुकजा इसी को मारता हूँ, निकल ले। और मुन्ना नॉक बैक देख रहा है। हाँ भैया 500 की नॉक बैक है, मतलब कि भैया बहुत भयानक नॉक बैक है।
और भैया इसमें लूटिंग बहुत भयानक लगी हुई है। मतलब कि भैया एक इंडरमैन को मारते हैं तो भैया हम लोगों को कितनी सारी इंटरपॉल मिल जाती हैं ये देख के भैया। और मैं देख रहा हूँ मुन्ना, सब कुछ देख रहा हूँ। अब मुन्ना असली वक्त आ चुका है वेदर को इस्तेमाल करने का। हाँ भैया, मैं भी सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा वेदर की टेस्टिंग कर ली जाए कि भैया वेदर कितने सेकंड तक टिक पाता है। मुझे तो लगता है भैया वो ज़्यादा टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि भैया ये आर्मर ही इतना ज़्यादा पावरफुल है। और देखते हैं मुन्ना क्या होता है। रोक जा, जल्दी से इसका लगा मुन्ना। ओए मुन्ना, मैं तो कहता हूँ दो दो वेदर स्पॉन करते हैं। हे भैया, कहीं भारी न पड़ जाए। और भारी और इन्हें पड़ेगा, जैक सब कुछ उठा लेगा, क्योंकि मुन्ना जानता है ना तू जैक का 2.5 किलो का आता है, सबको तोड़ फोड़ देगा। चलिए भैया ठीक है, भैया अपने आप ही जिम्मेदारी लीजिएगा। मतलब कि भैया हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, दो दो वेदर। ओए कुछ भी नहीं होगा मुन्ना, टेंशन मत ले, आज हमारे पास बहुत पावरफुल आर्मर है। ओए आ जाओ ना मुनो, अब ये क्या एक फट गया। ओए मार ले, आप तुझे जितना मार रहा हो कुछ भी नहीं कर पाएगा तू जैक का। हे भैया देखे, दोनों मारने लगे। ओए ये कौन से गड्ढे में गिर गए। हे भैया हम लोग कहाँ पर आ गए। ओए कोई बात नहीं, तू यहीं से मार ले, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ओए हे भैया ये देखिए, बिना हम लोग के तलवार चला ही मर गया। ओए मुन्ना ये आर्मर तो एकदम ओपी आर्मर निकल गया। ओए ओए मुन्ना, मैंने बोला था ना ये आर्मर मैंने और तूने बनाया है, इसमें कोई डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। हाँ भैया ये तो मर गया। ओए मैं तो कहता इसमें 5 वेदर इस्तेमाल करता, कोई दिक्कत होती। वो रहा एक नमूना, रुक जा। ओए आजा तू भी आजा, कुछ नहीं कर पाएगा। हे भैया रुक जाइए, वो खो गए। भैया ये क्या, ये तो मार रहा है। और रुक जा, इसकी जाके पास से बैंड बजाता हूँ। ओए आ जा नमूने। हे भैया मार ये इसको। और रुक जा, ओए नीचे तो आ जा जल्दी से। हे भैया ये क्या, नीचे गिर गए। ओए मुन्ना टेंशन ले ले, कहाँ चला गया वो। हे भैया पता नहीं कहाँ चला गया, लगता है भैया डर के मारे भाग गया। ओए कोई बात नहीं, दूसरा वेदर इस्तेमाल करेंगे और आज वेदर पर टेस्टिंग कर ही लेते हैं ठीक से, कि देखते हैं मुन्ना वेदर को मरने में कितने सेकंड लगते हैं। हाँ भैया चलिए ठीक है। चलिए भैया ये लगाया और भैया ये स्पॉन हो गया वेदर। अब भैया देखते हैं, और भैया अभी असली टेस्टिंग तो बची है ना। ओए वो टेस्टिंग मुझे पता है। ओ निकल ले डॉगी, नहीं तो मर जाएगा यहीं पर। ये क्या मर ही गया, मैंने बोला था ना। ओ ये देख मुन्ना, ये तो आते ही मर गया है। भैया ये सब कमाल आर्मर का है। ये लोग भैया टिक ही नहीं पाएंगे एक मिनट भी। ओए मुन्ना अब असली टेस्टिंग का समय आ चुका है। नहीं भैया मैं अभी एक टेस्टिंग और करना चाहता हूँ। और अब कौन सी टेस्टिंग बची है। हे भैया आपको पता है ना कि भैया इस वर्ल्ड में इंडर ड्रैगन भी रहता है, जो कि भैया सबसे पावरफुल है। और भैया आप तो ये जानते हैं ना, क्योंकि भैया उसने बर्निंग गॉडज़िला और भैया प्राइम स्केलेटन और भैया डीमन वेदर से भी पंगा ले चुका है। और भैया वो इन सब से एकदम बराबर की टक्कर लेता है, तो भैया उससे पंगा लेना तो बनता है ना। और बिल्कुल सही कहा मुन्ना, एकदम बढ़िया बात कर दी तूने। अब नहीं बचेगा वो ड्रैगन, क्योंकि अब हमारे पास इतना पावरफुल आर्मर आ चुका है जो कि हीरो ब्राइन का है। और मुन्ना हीरो ब्राइन ने एकदम कमाल की चीज़ दे दी हम लोग को। चलिए भैया इधर जल्दी से। है भैया ये कहाँ से आ गया। ओ नमूना निकल रहे, मेरी तलवार चल जाएगी तेरे ऊपर। ओए पता नहीं कहाँ कहाँ से आते रहते हैं, पता है फिर भी नहीं मानते ये लोग। चलिए भैया मैं जल्दी से इंटरपल लेकर आता हूँ, और भैया फिर बजाते हैं इसकी बैंड। ओए कहाँ गई इंटरपल। ओए ये क्या हमारे पास ही है। हाँ भैया मैं क्राइम ऑक्सीडियम भी ले लेता हूँ, क्योंकि भैया शायद उधर ब्रिज वगैरह बनाना पड़े उस पार जाने के लिए, तो भैया काम आ सकता है ना। ओए ये भी बात सही कही, चल जो भी लेना हो जल्दी जल्दी ले ले। चलिए भैया सामान वगैरह ले लिया, और अब चलते हैं इंड सिटी के अंदर। वाह क्या बात है, बिल्ले हैं एकदम चार्ज, अब बजाएंगे ड्रैगन की बैंड। अच्छा है, कहीं बिल्लों का ही ना बज जाए बैंड। अच्छा है। ओए अब हम लोग की बैंड कोई बजाए तो भला, अब दिखाते हैं उसकी पावर। अब तो हम लोग एकदम बराबर के हो चुके हैं, पहले तो हम लोग के पास कुछ था नहीं। ओए मुन्ना ड्रैगन की हेल्थ आने लगी। हाँ भैया हेल्थ तो आने लगी। चलिए पहले भैया ऊपर तो निकलने दीजिए ना। ओए इतना तेज मुन्ना तोड़ रहा है, ये देख। हाँ भैया इसकी एकदम पिकैक्स की तो भैया पावर एकदम ओपी लेवल की है। और इन नमूनों का क्या हो गया, पता नहीं भैया होने दीजिए ना, ये तो भैया अपने आप ही मरेंगे ना। और बिल्कुल सही बात कहा, इनकी चिंता करने की क्या जरूरत, हमें तो लड़ना है ड्रैगन से, और आज मुन्ना इसके बिना टावर फोड़े लड़ेंगे। हाँ भैया चलिए भैया सीधा भिड़ जाइए, वो रहा सामने। ओए आजा ड्रैगन, ये ले छोड़ूंगा नहीं। ओए ये क्या है भैया, डे भैया वो देखिए ड्रैगन मर गया। देखिए भैया एक वार में ही मर गया, एक शॉट चलाई भैया और ड्रैगन एकदम फिनिश हो गया, और भैया उसके टावर भी जलते रह गए। ओए मुन्ना मैंने बोला था ना ये आर्मर और ये शॉट बहुत ओपी लेवल की है, क्योंकि मुन्ना हीरो ब्राइन तो भी ओपी ही है ना। हाँ भैया हीरो ब्राइन तो बहुत पावरफुल भी है।
क्या भैया, ये आर्मर हीरो ब्रांड को हरा पाएगा क्या? और हीरो ब्रांड को कैसे हराएगा, क्योंकि उसका ही तो आर्मर और टूल है। हाँ भैया ये भी बात है, लेकिन भैया टेस्टिंग जरूर करेंगे। और भैया अभी तो टेस्टिंग बाकी है ना, क्योंकि भैया बदला तो लेना है ना एंटिटी 303 से। और वो कैसे भूल सकता हूँ मैं, एंटिटी के तो बैंड बजाना बनता है। ओए बहुत पंगा ले रहा था ना, अब आ जा एंटिटी, तेरी बैंड बजा दूंगा और तोड़ भी दूंगा। चलिए भैया ये मशीन तो एकदम कमाल की निकली, लेकिन भैया एंटिटी को हम लोग को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भैया आपने उसको देखा है। और मुन्ना उसकी तैयारी हम लोग कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो गाइस आज के पार्ट के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि गाइस बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, एंटिटी 303 वर्सेस भैया ऑगी एंड जय। क्यों भैया यही रहेगा टाइटल? ओए बिल्कुल सही बात है, और इस फाइट में तो जीत किसकी होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा।